वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। और आज का ब्लॉग एक्चुअली शूट करने के मूड में तो नहीं था, सीरियसली बता रहा हूँ। रीज़न बीइंग हम कुछ काम से आए थे, तो मतलब ये सारी स्टोरी जो दो दिन की मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। सो हम लोग रात को 1 बजे निकले थे इन दिल्ली से हरिद्वार के लिए, नहीं ऋषिकेश के लिए, कुछ काम से जो कि कल होना चाहिए था, जो कि कल हो नहीं पाया। बट हमने कल थोड़ी मस्ती करी, अपनी नींद पूरी करी एंड देन उसके बाद थोड़ा घूम घाम के अपना सो गए। अब वो जो काम करना था वो हमें आज करना है, तो हम क्यों ना उस काम को करने से पहले चलते हैं, क्या बोलते हैं, रामझूला की तरफ और कुछ नहा धो के आते हैं, क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि सही बताऊँ तो फट रही मेरी जाने में, तो इसीलिए मैं किनारे पर बैठा हूँ और मैं अपने ऊपर ये रेता लगाने मस्त हूँ। देखो ऐसा मैंने सुना है, पता था मुझे कुछ है नहीं कि ऐसे ना जो सैंड होती है ना, मतलब बेसिकली रेत वाली, इसको ना ऐसे बॉडी पे ऐसे नीचे मरने से ना ऐसे टैनिंग खत्म हो जाती है ना। वो सच है कितना नहीं मेरे को नहीं पता, सारे इंस्टाग्राम्स में रील्स दे देखे सारा ज्ञान मिलता रहता है हमको, जो कि काफ़ी हद तक नकली भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ जाने ना, मज़े आ रहा है फिलहाल। मैंने गड्ढे खोद दिए दोनों तरफ अपने, इन गड्ढों में गिरूंगा नहीं मैं, लेकिन डोंट वरी ये छोटे गड्ढे, ये खाई नहीं है। देखो उधर दिखाओ, इसको देखो, एक कॉर्नर है यहाँ पे, एक शिवलिंग था वो पूजा कर रही है। देखो कोई और नहीं आया पूजा करने, लेकिन ये फॉरनर एक वो कर रही है। देखो क्या हो रहा है धरती को, मतलब उन्हें आना पड़ रहा है और कोई नहीं कर रहा, मतलब इंडियंस तो नहीं कर रहा। छोड़ो कोई नहीं, लोगों को देखो भाई सामने राफ्टिंग मस्ती मार रही है। यहाँ पे अभी कोई तो चिल्लाया था मम्मी मैं हरिद्वार आ गया। वैसे आप लोगों को ये नजारा लग कैसा है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मतलब मेरे हमारे जो व्यूअर्स हैं, मतलब हमारे चैनल के, तो मेरे चैनल के जो आप लोग अच्छे हैं उसमें व्यूअर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से मतलब डीले हैं बेचारे, कि वो कभी कमेंट भी नहीं करते, बताते भी नहीं कि मतलब उन्हें ब्लॉग कैसे लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पूछूं मैं इस वीडियो में कि भाई ये कैसा लग रहा है और ये लोग तो मस्ती मार रहे हैं, तो ना भाई किसी का कमेंट वगैरह मुश्किल से आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो क्या होता है ना, फिर ऐसा लगता है कि पब्लिक देख भी रही है नहीं देख रही है, मतलब खाली बस चालू करके छोड़ दे 30 सेकंड चला के। आई डोंट नो मतलब तुम लोग का इंटरेस्ट क्या है उस वीडियो में, तो एटलीस्ट आप लोग कॉमेंट करते तो पता लगता है। एंड अभी जो है चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है, तो वो द अर्निंग इज नॉट दैट गुड, इट इज़ एक्चुअली मिनिमलिस्टिक, मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है मिनिमलिस्टिक भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ब्लॉग्स आजकल मैं बहुत डिले डिले डालता हूँ, उसका सिंगल रीज़न है ऑफिस वगैरह, और फिर यूट्यूब से कोई इनकम वगैरह तो है नहीं, खर्चा पूरा होता है भाई हर एक ब्लॉग बनाने में, तो मेरा मन कर नहीं करता मतलब बनाने का वीडियो, तब हालांकि जब दिल करता है तब बना लेता हूँ, जब नहीं करता तो नहीं बनाता। जैसे कि परसों आया हुआ था, अच्छा बहुत सारी जगह बीच में गया हूँ मैंने, ब्लॉगिंग जो नहीं करी फिर भी जाने के बाद भी, तो ऐसे ही आज कुछ था कि मतलब नहीं बनाऊँगा। बट सडनली फिर यहाँ पे ना ये सारा इन्जॉय करते करते मेरे को लगा चलो बना लेते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कि, और मेरे अकॉर्डिंग मतलब दिखाते हैं आप लोगों को कि मतलब अभी कैसा माहौल है ऋषिकेश इसका। सी देखो रश तो हर सैटरडे संडे रहता है, बट द वेदर इज़ राइट नाउ इज़ टू प्लेजेंट, तो आप लोग ना अभी मैं कहता हूँ कहूँगा विजिट करो, घूमो ऋषिकेश आओ हरिद्वार जहाँ भी आपका दिल करे। अभी जो वेदर है वो अच्छा है क्योंकि इतनी गर्मी नहीं हुई है किसी भी मतलब माउंटेन वाले एरिया में। बट यस वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बी हॉट एंड उसके बाद आप लोगों ने सारे पहाड़ ऐसे सूखे और बेजान से लगेंगे, तो मज़ा आएगा नहीं, तो बेटर है कि घर से निकलो और घूमो मस्ती करो। तब तक के लिए बाय बाय, अपन नहाए कुछ देर बाद और फिर चले जाएंगे वापस होटल में और निकल के काम करेंगे। तो वी आर डन, हम लोग बाहर आ चुके हैं और मैं तो अपने कपड़े वपड़े पहन लिए, अब रूम पर जाके वापस से नहाऊँगा, जाके कुछ शैम्पू साबुन लेके ना, क्योंकि रेता भर गया भाई बहुत सारा कपड़ों के अंदर। तो उधर के बाद नहाने के बाद फिर निकलेंगे नो मार्केट, तो हमें कहीं घूमना है नहीं, सो जो काम है पहले वो निपटाते हैं एंड देन उसके बाद लेट्स सी किधर टाइम बचता है, उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ होता है तो मैं डिसाइड करूँगा कि हाँ किधर जाने का है, कहीं घूमने का नहीं है, अदरवाइज फिर हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली घर को निकलेंगे यार। सो जिस काम से आए थे हम लोग वो काम एक्चुअली हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि इन मैडम की वजह से हुआ है, उन्होंने पूरी जानकारी बता दी थी और भाई खाने में लग गई है। सो राइट नाउ वी आर हैविंग सम छोले एंड कुलचे, ये और लोकेशन क्या है, ये एक्चुअली ये है अभी इस टाइम पे हम लोग हैं, ये देहरादून रोड है शायद, नो देहरादून नहीं एयरपोर्ट रोड है आई गेस, हाँ ये एयरपोर्ट रोड है, और आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत सेक्सी लग रहा है भाई। सो ये रहा हमारा खाना और इसका देखो खाई जा रही है ठीक है, और इधर अपनी बाइक खड़ी है, तो भाई क्या प्यारा लोकेशन है भाई यहाँ पे, मतलब नज़ारा एकदम ज़बरदस्त, तो उसके बाद हमारा ये छोले कुलचे गरम गरम। यार अभी ना पूरा दिन पड़ा हुआ है, मतलब वैसे तो हमारे पास अब कोई काम है नहीं,
सिवाय घर जाने के अलावा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि साला जो हमारा एक्सप्रेस वे है मेरठ वाला, उस पर ये लोग एंट्री देते नहीं है। मतलब देहरादून का जो एक्सप्रेस वे है, बेसिकली देहरादून एक्सप्रेस वे एंट्री मिलती नहीं है बाइक्स को दिन में, मतलब अलाउड ही नहीं है बाइक्स उस पर। अभी अगर हम जाते ना तो फिर हम लोग ट्रैफिक में फंसते फंसाते कहीं 7 घंटे में जो है घर पहुँचेंगे, जो कि कल जब हम लोग आए थे तो 4 घंटे में यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। अभी उस ट्रैफिक में ना जाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो सोचा कि टाइम को स्पेंड कहाँ करें। तो हम लोग अभी ना जॉलीग्राम जो एयरपोर्ट है उस रोड पे निकल आए हैं। हमारी थोड़ी पेट्रोल तो लगेगी, नो डाउट, और फालतू का खर्चा होएगा। लेकिन यार मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं उस ट्रैफिक भरे रास्ते में जाऊं और दिन में मतलब धूप में ट्रैवल करूं, मतलब दिल्ली वापस दिल्ली जाने के लिए। तो इसी चक्कर में सोचा मैंने थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद में जो है देखते हैं क्या करने का। भाई क्यों मार रही पीछे से, पागल हो गई क्या? ये मेरे को पीछे से मार रही है हेलमेट, मेरे हेलमेट में। सो गाइस हम खड़े हैं इस टाइम पे इस जंगल में भाई, और अपनी बाइक है इधर जंगलों के बीच बीच, पत्ते गिर रहे हैं भाई, कितना अच्छा सा लग रहा है यार। पूरा स्प्रिंग सीजन है इस टाइम पे, ये देखो बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, बहुत सारे। और कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट रुक सामने देखो, यहाँ पे एक हिरन घूम रहा है, वो दिख रहा है, वो देखो वो भाई। तो मैं रुका था यहाँ पे भाई थोड़े से कुछ फोटोज लेने के लिए, क्योंकि मेरे को ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था पूरा जंगल, और सब तरफ से पत्ते गिर रहे थे, ठीक है। तो उसी वजह से मैं रुका हुआ था, तो मेरे फोटो जो है हो चुके हैं, तो अभी निकल रहा हूँ आगे के लिए। तो मेरी शक्ल कितनी काली लग रही है इसमें, मैं ही गंदा हूँ क्या, ये फिर कैमरा गंदा हो गया, समझ नहीं पा रहा मैं। खैर मैं इतना गंदा नहीं जितना मैं इसमें दिख रहा हूँ। अभी फंस गई बाइक हमारी, हेल्प करूँ क्या बताओ? उस साइड से निकालो, दूसरी साइड से निकालो। थैंक यू अंकल। तो अंकल ने मेरे को निकालने में हेल्प किया भाई, क्या गड्ढा हो गया भाई यहाँ पे, देख पूरी मिट्टी में अंदर घुस गया मेरा पहिया, निकल के नहीं दे रहा। हाँ, वो अंकल ऋषिकेश साइड जा रहे थे, वो हमारी बाइक को निकलवाने के चक्कर में वापस लौट के आए थे। करेंगे क्या यार, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें देहरादून साइड जाने का दिल नहीं है, ना ही हमारा मतलब उस साइड जाने का दिल है जैसे मसूरी साइड, क्योंकि यार थोड़ा थकावट हो जाएगी, मतलब उधर साइड जाएंगे फिर बाइक भी चलाओ, पहिए घिसो, पेट्रोल फूको। और अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ पे गए थे, तो अभी जाने का मन भी नहीं था यार। तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि हम एक्चुअली में जाएँ किधर, हो सकता है क्या पता थानों साइड कहीं जाके बैठ जाऊँ मैं किसी कैफ़े वगैरह पे, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे 1-2 घंटे या 2-3 घंटे जितना भी कर सकते हैं मैक्सिमम, एंड देन विल प्लान कि मतलब किस टाइम निकलना है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो हेयर, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग मिल जाते हैं तो फिर हम लोग साथ में निकल लेंगे वापस दहली के लिए। टाइम एक्चुअली हमारा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि टाइम को देखते हुए हमें लगा कि ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम कहीं और ना जाके कोई मूवी देख लेते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मूवी अपने को बैठने की जगह मिल जाएगी प्रॉपर एक एसी वाली, ठीक है, थोड़ा रेस्ट भी जाएगा बॉडी के लिए, और हमारा टाइम भी अपना आराम से कट जाएगा। और जिस टाइम पे निकलने का है मतलब 8:30 बजे के आसपास, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं, हम उससे पहले ही फ्री जाएंगे, 7:15 तक हम लोग फ्री जाएंगे, और उसके बाद खाते पीते आराम से निकलेंगे रेस्ट करते करते आगे के लिए। आज की मूवी हमारी होने वाली है गॉडज़िला वर्सेस किंग, गॉडज़िला एक्स किंग, जो अभी नई नई लॉन्च हुई, द न्यू एम्पायर ऐसे उसका नाम था उसका पूरा, तो अपन वो देखने जा रहे हैं। वैसे मौसम इधर मसूरी साइड का जो है अच्छा हो रहा है। अरे भैया कचरे का डब्बा बहुत बदबू मार रहा है, निकालनी पड़ेगी गाड़ी आगे हमको, बदबूदार डब्बा नगर निगम का टाइम्स स्क्वायर मॉल, भाई कितना गंदा सा मॉल है ये। फाइनली मूवी भी खत्म हो चुकी है और ये हमारे एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले खत्म हो गई। हाँ मतलब ठीक ठीक थी यार, अगर 2D होती थी ज़्यादा मज़ा आता, 3D में देखा था कम थोड़ा मज़ा आया, सही बताऊँ तो, क्योंकि ना स्क्रीन का जो ब्राइटनेस था वो बहुत ज़्यादा कम था यार, और हमें लगा था ये 7 बजे के आसपास खत्म होगी, लेकिन 6:15 बजे खत्म होगी, बस 2 घंटे के अंदर। और हमारा प्लान था कि 9 बजे निकलेंगे, है ना, 2 घंटे की भी पूरी नहीं थी, 4:15 पे बहुत बहुत छोटी मूवी थी, और मैं सही बोलूँ तो एवरेज मूवी है, मतलब पिछली गॉडज़िला जो थी उनसे तो मेरे को वो ज़्यादा बेटर थी, ये इतना मेरे को मज़ा नहीं आया। फिलहाल मूवी खत्म हो चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं बाहर, हमने यहाँ पिज्जा ठूसा है और जो कि नीचे पड़ा है, ये देखो ये रहा, और अपन जा रहे हैं वापस से बाहर, फिर देखते हैं क्या करना है। Nobody knows, even I don't know what to do. हाँ
तो भाई लोग ऐसा हुआ कि हमारा लोल कट गया, ठीक है, और हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, मूवी देख के बस वापस भगाए। अभी रास्ते में रुके थे कहीं पे, खाना खा लिया। शक्ल कितनी गंदी हो रही, शक्लें तो सभी गंदी हो रही हैं। हाँ, खाना हम लोग फेल चुके हैं और अभी अपन लोग निकल रहे सीधे दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुँचने के बाद कुछ नहीं करेंगे, बस सो जाएंगे और ब्लॉग को वहीं पर क्लोज कर देंगे। तो कल सुबह हाँ यार, कल ऑफिस जाना है तो इस वजह से हम लोग नहीं रुके। अदरवाइज़ अगर मेरा ऑफिस तो खैर शाम को है, इसका नहीं होता तो मैं रुक जाता एक बार को और शाम तक पहुँच जाता, लेकिन अभी इसका ऑफिस था तो इस चक्कर में मेरे को निकलना पड़ा। और अभी निकलते हैं, हम लोगों ने रात में कुछ खाना सूट करा नहीं है क्योंकि वो लॉजिकल नहीं था इसीलिए। बाकी घर पे पहुँच के स्टोरी जाते हैं भाई कि हम लोग कैसा गया, मतलब किधर से पहुँचे। तो आपको पता ही है कि जो एक्सप्रेस वे है उस पर बाइक अलाउड नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गो ऑन द सेम वे। अगर पुलिस नहीं मिली तो इट इज़ लीगल, अदरवाइज इट इज़ इलीगल। अरे भाई क्या करें, रूल तोड़ने पड़ते हैं कभी कभी। इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि मतलब बाइक्स क्यों नहीं जा सकती हाईवे पे, वो भी तो रोड पे ही चलती है भाई। खैर, रूल्स आर रूल्स और तोड़ने के लिए होते हैं रूल्स। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।